ये इन्वर्टर पे चलेगा सर, मैं इसको अगर चार्ज सिस्टम एक कम इस वाला बहुत पुराना है, ये हमारे पास पहले रजिस्टर्ड था। ये इस साल हमने जो 47 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन की सर, ये इसमें दो है सर। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो मिलिक यूनियंस बन रहे सर, मिलिक सोसाइटीज जितनी भी है, एक मिलिक यूनियन ले में, एक मिलिक यूनियन करके में, फिर ये दोनों मिलिक यूनियन मिल के मिलिक फेडरेशन बन रहे सर। सर सारा चीज़ वगैरह सब कुछ बनाते हैं सर, ये मिल्क प्रोडक्ट सारे तो आइए ये लोग और भी अब बड़ा मिल्क प्रोडक्ट और बड़ा सबसे पहले डिप्टी रजिस्ट्रार जनाब डॉक्टर जाकिर साहब हस्ते दिल शुक्रगुजार में कि डॉक्टर जाकिर साहब की क़यादत में गिरिंग सोसाइटी ला गाड़ी मुहैया बस पे छना दूस काफ़ी इकोनॉमी का फ़र्क छछे जिंदगी नहल के, क्योंकि एक कोऑपरेटिव मिली वैन मुहैया करने में लोगों के लिए एक बेनिफिट कम से कम एक सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद होगा सर। इससे आज हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे मिलिक सोसाइटीज़ जो इस साल हमने 47 मिलिक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन किए थे, तो इससे पहले हमारे पास एक सोसाइटी ऑलरेडी था, तो हम ऑनरेबल सीसी करगिल की तरफ के हाथों और हमारा ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव कौंसलर कोऑपरेटिव और हमारा वर्दी डिप्टी कमिश्नर इनके हाथों आज तीन मिलिक वैन्स जो है हम अपने मिलिक सोसाइटीज़ को हैंडओवर कर रहे हैं। इन मिलिक वैन्स में हमने रेफ्रिजरेटर सिस्टम फिट रखा हुआ है, जिसमें अगर हम 250 लीटर का एक मिलिक वैन में 250 लीटर का मिलिक ये रेफ्रिजरेटर सिस्टम साथ में रखा हुआ है, ताकि जो है इनको अगर कहीं स्टोरेज करने में कहीं इनके पास अगर दूध बच जाता है तो वो उसमें स्टोर कर सके। तो ये सारा फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड करने के बाद जो है हम आज ये तीन मिलिक वैन जो है हमारे सोसाइटीज़ को हैंडओवर कर रहे हैं, जो कि बहुत अलग अलग विलेजेस से हैं, जो वहाँ से गांव से हमारे यहाँ पे करगिल में प्रॉपर पे ये जो दूध ला के यहाँ पर सेल करेंगे।